गुरु भगवान के शुक्राने साधकों के लिए पॉइंट्स हैं। अपनी रहनी यानी आदत या स्वभाव कहेंगे, ऐसा बना लेना चाहिए कि जिससे भजन करने में सब प्रकार की सुविधा रहे। अपनी रहनी, अपनी आदत और स्वभाव। अब किसी का लड़ने का स्वभाव है मान लीजिए, तो भजन कैसे करेगा? वो तो भगवान से भी लड़ पड़ेगा। अपनी आदत मान लीजिए गुण अवगुण देखने की, इधर उधर देखने की, कौन आया कौन गया कौन बैठी है, अच्छा ये मोबाइल पे लगे रहने की क्या आदत है, वाह सोशल मीडिया वही मोबाइल पे लगे रहने से बस काफ़ी है, हो गया भजन। तभी एक भजन था ना, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मोड़ लो बस हो गया भजन। भजन में शिथिलता होना पाप का परिणाम है। अगर हमसे भजन नहीं हो पा रहा है, जैसे हम सोचते हैं मान लीजिए कि आज इतना भजन करेंगे, इतना तो करना चाहिए, एक माला दो माला चार माला जिसका जैसा है भजन तो करना चाहिए, इतना तो भजन करना चाहिए, और नहीं होता तो इसका मतलब हमारे जीवन में पाप है, हम पाप कर रहे हैं कुछ। वैसे सबसे बड़ा पाप है भगवान को भूल जाना, तो हम भगवान को भूले हुए हैं। कम से कम शुरुआत में मैं ये समझता हूँ, बहुत आसान सी चीज़ है अगर कोई कर सके तो आसान है, नहीं कर सके तो ये भी बहुत मुश्किल है, कि जो काम करे कहे भगवान ने कराया, खाया पिया भगवान ने खिलाया, चले फिरे भगवान ने चलाया, जो भी कुछ किया भगवान ने कराया। भगवान की शक्ति सामर्थ्य से होता है, अपनी क्या हस्ती है, अपनी क्या ताकत है, भगवान कराते हैं। तो ये आदत में आ जाए, भगवान कराते हैं, भगवान ने कराया, भगवान का घर है। अब जिस घर में आप रहते हैं वो किसका है, यहीं पे याद रहती है बस, घर पहुंचते ही सब भूल जाते हैं। कुछ लोग हैं यहीं बैठ के भजन करेंगे, शांत बैठो यहाँ भजन करना, घर पर, घर पे तो होता नहीं भजन, मुझे मालूम है बदमाश हैं ये, पकड़ने वालों ने पकड़ तो लिया निभा नहीं पा रहे, ये पॉइंट है। यहाँ शिथिलता अगर हो रही है तो हमारे जीवन में पाप है, तो स्वीकार करो इसको सबसे पहले। और सत्संग में सब पाप धुलते हैं, हमारे सब पाप कटते हैं सत्संग में, नाम जप से पाप कटते हैं, पर नाम आवे तब तो मुंह में, नाम आए तो पाप कटे। सत्संग में तो बैठ जाओ बस, बैठने से पाप कट जाते है ना। बात को ठीक से पकड़ना, आप गलत मत पकड़ लेना। पुण्य के फलस्वरूप भजन में रुचि बढ़ती है, जब हमारे जीवन में पुण्य होता है। पुण्य क्या है? भगवान याद रहे। अब कैसे याद रहे? अब याद रखने के अनेकों प्रकार हैं। भगवान प्यारे लगे सबसे पहले, तो प्यारे कैसे लगे? उन्होंने कभी जिंदगी में आपका कोई काम किया है नहीं किया है? बहुत सारे किए हैं, तो जो हमारे बहुत सारे काम करता है वो प्यारा नहीं लगता हमको? तो भगवान प्यारे लगे, प्यारे लगेंगे तो याद रहेंगे, याद रहेंगे तो हमारे पाप कर्म कटेंगे, भजन में रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़ती है तो रस उत्पन्न होता है। रस मतलब एक आनंद सा आने लगता है, अच्छा लगने लगता है, भजन अच्छा लगने लगता है। अब भजन में आनंद मिले इसके लिए उपाय है, अधिक से अधिक एकांत में बैठें। अच्छा, अब सत्संग में एकांत होता है, देखिए आप किसी से बात नहीं कर सकते, सत्संग में डिसिप्लिन होता है, एकांत होता है, चुप करके बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग की बातें सुन रहे हैं, एकांत, सब प्रपंच से बचकर नियम से भजन करना, एकांत में बैठें, सब प्रपंच से बचें, प्रपंच दुनिया सब प्रपंच संसार और संसार की बातें, इनसे बचना, ये प्रपंच से बचना है। प्रपंच से बचेंगे तो भजन होगा। अब भजन करते समय आलस्य आता है तो क्या करना चाहिए? बीच बीच में टहल ले, टहल के भजन कर ले, मुँह हाथ धो ले, जल पी ले, थोड़ी देर घर के बाहर, घर के बाहर मतलब ज़रूरी नहीं सड़क पे जाएं, घर से आपके घर के बाहर छोटा सा जगह होती है, बनी होती है घर के
जस्ट अपने डोर से निकल करके छोटा सा लॉन सा होता है, साइड गैलरी होती है, साइड गैलरी में टहल ले, लॉन में बैठ जाए कुर्सी डाल के, गहरी गहरी सांस लेना, तो ये सब करने से आलस से दूर होता है। भगवान की कृपा का स्मरण कर ले थोड़ी देर, भगवान ने कितनी कृपा की है। चलिए हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, भगवान ने क्या क्या कृपा की है। उदाहरण के तौर पर हमको रहने को घर दिया है भगवान ने, दिया है ना, सबको दिया है। कोई फुटपाथ पर रहता हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, सबसे बड़ी कृपा है भगवान की कि गुरु मिले, सत्संग मिला, ये सबसे बड़ी कृपा है। हाँ, और बताओ, मनुष्य शरीर मिला, ये एक कृपा है, उस कद्र यही है सत्संग मिला। पहली भगवान की कृपा कहते हैं मनुष्य शरीर मिला, दूसरी भगवान की कृपा है सत्संग मिला। शरीर ठीक ठाक है ना, ठीक ठाक है, अब छोटे मोटे चीज़ें लगी रहती, खाने पीने को मिला है, बेसिक चीज़ें हमारे पास हैं, माता पिता दिए है ना, तभी तो हम बड़े हुए, ठीक ठाक ठीक ठाक बुद्धि दी, गुरु की बात समझ में आ रही है, कितने सारे दुनिया मतलब हैं, पढ़ लिख कर बात, गुरु की बात समझ में आ रही है, नहीं तो हम भी ऐसे ही भटक रहे होते संसार में, भावटवी में। पहनने को दिया, गुरु का सानिध्य दिया है, सेवा दी है, वाह क्या बात है, घर से सेवा करने के लिए आप आते, कितनी कृपा है भगवान की। हाँ, घर वाले आने नहीं देते कुछ लोगों के, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। हमें बहुत सारी बात गलत बातों से बचा लिया भगवान ने, कितनी कृपा है। हम भी बैठे होते उन्हीं लड़कियों में, हाँ, बेकार की गलत सलत आते, सबसे बच गए, सत्संग में आ गए। कोई भी समस्या आती है तो भगवान सुलझाते हैं, कितना प्रेम है भगवान का। करोड़ों लोगों में से भगवान ने हमें चुना है, हम आप आते हैं सत्संग, कितनी कृपा है। हाँ, भगवान की कितनी कृपा है कि सेवा मिली, अच्छा सेवा मिली, गुरु से जुड़े तो और कितने कितने लोगों का भला हो रहा है। तो भजन करते में आलस्य नहीं आए, उसके लिए युक्तियाँ, और युक्तियों में ही एक था ये वाला कि भगवान की कृपा का स्मरण करना। अब आपको आलस आ रहा है थोड़ा, है ना, एकदम अलर्ट हो गए ना, भगवान की कृपा के बारे में सोचा, शुक्राना माना, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कहते हैं इसको, अंदर से खुशी आई, सत्संग अच्छा ला, भगवान की कृपा है, अच्छा ना लगता तो भाग जाते हम भी, कई सारे भाग गए होंगे, आए होंगे चले गए होंगे। हमको जीभ मिली, भगवान ने जीभ दी, उसकी सफलता है जीभ से नाम निकले, भगवान का नाम निकले। हमको कान दिए, कान की सफलता है भगवान की बात सुने, सत्संग सुने। अब एक इन्होंने बात कही कि मान लीजिए आप लंबे अरसे से सत्संग में लगे हुए हैं, लेकिन स्थिति नहीं बन रही है, हमको अंदर से लगता नहीं कि हमारी स्थिति बन गई, बन रही है, इतने समय से लगे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में कोई अन्य अभिलाषा घुस गई है। हमें पता भी है और नहीं भी पता है, दोनों बात है। या तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि यह अभिलाषा घुसी हुई है, इसके कारण हमारे स्थिति नहीं बन रही है, तो उसको खोज करके निकालने का प्रयास करना चाहिए। अब आता है तप, त्याग, संयम, नियम पालन, श्रद्धा, सदाचार तथा निष्कामता के साथ साथ जो भजन किया जाता है वो भजन संसार से उपराम कर देता है और भगवान से प्रेम बढ़ता है। क्या? तप, त्याग, संयम, नियम पालन, श्रद्धा, सदाचार तथा निष्कामता के साथ जीवन में हमारे तप होता है, त्याग भावना होती है, संयम होता है, नियम का पालन होता है, श्रद्धा होती है, अच्छा आचरण होता है, निष्कामता होती है। तो अब जो भजन किया जाता है वो भजन
हमको संसार से उपराम कर देता है और भगवान से प्रेम बढ़ा देता है। एकांत में बैठकर, जैसे घुटने टेक कर होता है ना, अंतःकरण की सारी शक्ति को लगाकर हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि भगवान मेरा भजन बढ़े। सिमरमना सिमरमना राम नाम जितारे हैं, यही तो भजन है। भजन हिंदी में कहते हैं, गुरुमुखी में सिमरन कहते हैं। इतना अभ्यास बढ़े कि निद्रा अवस्था में भी भजन होता रहे। रे बाबा, हम तो सोते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ के सपने आते हैं, अच्छे और वो भी आ जाते हो, कभी भगवान के भी आ जाते हो, पर इधर उधर के क्यों आते हैं? अभी भजन में कमी है। इतना अभ्यास बढ़ावे कि निद्रा अवस्था में भी भजन होता रहे। साधक के दो ही कर्तव्य हैं, एक तो अधिक से अधिक भजन करना और दूसरा अपने नियमों का पालन करना। भजन तो हो गया, मान लीजिए उदाहरण ले रहे हैं, नाम जप हो गया, स्वाध्याय हो गया, पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, कोई अच्छा भाव बन रहा है, तो इस साधक का कर्तव्य है कि खुद तो भजन करे पर सबके काम आ सके, जैसा बन पड़े। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये पोज करके आपने अपने को अच्छा दिखा लिया तो अष्टावक्र मुनि के हिसाब से आप कुछ नहीं हैं, आप किसी गिनती में नहीं हैं, और जैसे आप हैं वैसे आप हैं। बात चल रही है, जब ऐसे नहीं बतानी चाहिए अपनी कमियां जबरदस्ती के लिए, पर जब बात चल रही है कमियों की तो अपनी कमियां खोल कर रख देनी चाहिए। उससे क्या होता है, आप जैसे हैं वैसे हो जाते हैं और आपके अंदर तक शांति आ जाती है। मैं गुरु के सामने, भगवान के सामने जैसा हूँ वैसा हूँ, और आपकी निष्कामता, आपका भगवान से प्रेम आपको मुक्त करा देगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। और आप पोज करते रहो, आप जिंदगी भर पोज करते रहो, दिखावा करते रहो, आप बनते रहो, आप बहुत बढ़िया ये वो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, कहाँ पहुँचोगे? साधक तो भगवान की गोदी में सोता है, गुरु के सानिध्य में रहता है, हर समय फील करता है मैं गुरु के सानिध्य में हूँ, ऐसा फील करता है। गुरु के सानिध्य में हम उस तरह नहीं हैं, हम कहीं दूर हैं तो, लेकिन हमें फील होगा हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं। और नित्य प्रति हम सत्संग अटेंड करते हैं, नित्य प्रति हम गुरु के औरा में आते हैं, क्योंकि सत्संग भवन में आप सोच रहे हो मैं अपने लिए कुछ कह रहा हूँ, मैं तो कहीं हुई नहीं, मैं तो गुरु का बच्चा हूँ, मैं तो गुरु की बात करता हूँ, दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, इनका औरा है यहाँ पर, ये प्रेजेंट है यहाँ पर, सदा बसत तुम साथ। गुरु जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते। गुरु गोविंद सिंह जी जब जोत जोत में समाई तो उन्होंने कहा अब मैं गुरु ग्रंथ साहब में हमेशा रहूँगा, और वो उसमें समा गए। तो ये कहा कि जो भी पाठ करेगा वहाँ गुरु होंगे। हमारे यहाँ भी सत्संग में गुरु हमेशा हमारे साथ होते हैं, अगर हम गुरु को मानते हैं, फील करते हैं। आज हमें जो मिला है गुरु से मिला है, सारी कृपा गुरु की है, सारे शुक्राने गुरु के। आज जो भी समझ है हमको वो सब गुरु से मिली है। प्राणी को संसार में बहुत कुछ मिल सकता है, किंतु दुर्लभ भजन के लिए समय मिलना दुर्लभ है। ये भजन उसके लिए समय मिलना ये मुश्किल काम है। सत्संग में हमारे लिए गुरु समय देते हैं ताकि हमारा भजन हो, हमारा भाव बने, हमको अच्छी समझ मिले, हमको ज्ञान मिले, हमारा मन भगवान में लगे, भगवान की बात बताते हैं, हमको रुचि भी पैदा हुई भगवान की तरफ, तो किसने कराई? हाँ, जो दुर्लभ ये कह रहे हैं गुरु उसको सहज में पूरी करा देते। हाँ, कुछ भी हो, सत्संग होना है तो होना है।
उन्हें समझ ही नहीं है, अपनी तबीयत ठीक नहीं है तो सेवा कार्य नहीं कर रहे, सत्संग में नहीं जा रहे, उन्हें समझ ही नहीं है। अपने शरीर को लिए पड़े हैं जो एक दिन नहीं रहेगा, और इस शरीर को लगा दो। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि तुम्हें मृत्यु तो आनी आनी है देखो, पर ऐसी ऐसी मौत आए जो तुम अमर हो जाओ। हम सत्संग में लगे हैं, सत्संग के दायरे में सेवा करते करते जो सेवा कार्य हमको मिला है, मान लीजिए दवाई देने का मिला है तो हम दवाइयाँ देते हैं, होम्योपैथिक दवा देते हैं, हमको डिब्बा मिला है अपने शहर में, दो डिब्बे मिले हैं उसमें से दवा बांटते हैं हम, ये सेवा कार्य है हमारा। सेवा कार्य करते करते हमारा शरीर जब छूट जाएगा, कितने लोग हमको याद करेंगे, अरे वो आंटी थी ना, वो अंकल थे ना, वो दवा दिया करते थे। अब मतलब जो भी कोई और देगा, जो भी जो हुई है, पर याद करेंगे, वो सत्संग में आते थे, बड़ा अच्छा भाव रहता था उनका, बड़े प्यार से बोलते थे। हम एक बार उनके पास में आए तो हमने कहा एक बात पूछनी है, तो एकदम से बोले हाँ हाँ पूछिए भगवान जी। हमको इतना अच्छा लगा, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, अब ये नहीं तो बोलने लग जाओ सारे के सारे आइए भगवान जी। तुम्हारे अंदर से निकले, अंदर से निकले तो अच्छी बात है, कितना अच्छा लगता है। तो कुछ अच्छी बातें होती हैं याद रह जाती हैं, कुछ हमारा प्रेम होता है वो याद रह जाता है लोगों को, किसी के दिल को छुआ। सारी बातें हैं समझने की, केवल यही थोड़ी कि भजन करता रहता बैठा, भजन करता रहता बैठा तो वृंदावन के जंगल में बैठ जाओ या हिमालय पर चले जाओ। सत्संग के दायरे में अगर हो तो फिर तो ऑलराउंडर बनाते हैं गुरु, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर बैट्समैन की बड़ी कीमत होती है, खाली बैट्समैन हो, खाली बॉलर हो, खाली फील्डर हो, और एक ऑलराउंडर हो जैसे कपिल देव, उस जमाने में जो भी कितना नाम हुआ, सचिन, कितना नाम होता है इनका, ऑलराउंडर। तो ऐसे गुरु हमको ऑलराउंडर बनाते हैं, जहाँ भी हम होते हैं वहाँ हमारा प्रेम, हमारा सहयोग, हमारी सहायता करने का भाव सब लोग याद करते हैं कि भाई इन्होंने हेल्प कर दी हमारी। साधक को चाहिए कि वो भगवान से केवल भजन मांगे और कुछ न मांगे। क्यों? एक और बात देखिए, हम लोग अपनी तरफ देखें, अगर मैं एक लाइन कहता हूँ, सब कुछ पास तेरे तू क्या मांगे भगवान से, तो आप क्या कहते हो, ये लाइन ठीक है कि नहीं ठीक है? क्योंकि हम जो भी मांग रहे होते हैं, एक आध चीज़ कोई ऐसी होती है, आजकल क्या चाहिए भाई, ये चाहिए एक आइटम लेके हम। तो साधक को चाहिए कि भगवान से कुछ नहीं मांगे, केवल भजन मांगे, भगवान मेरा भजन बढ़े, आपकी याद बढ़े, आपसे प्रेम बढ़े। अब हम सत्संग में आते हैं, भजन करते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति की बात वो कह रहे हैं ये, यदि किसी को सत्संग में आया, भजन किया, शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, मन की चंचलता दूर नहीं हुई, तो उस व्यक्ति से कोई महान अपराध हुआ है। क्योंकि भगवान की कृपा तो हो गई है, सत्संग में आ गए, अपनी कृपा भी है, भजन कर रहे हैं, तो शांति क्यों नहीं मिली, सुख क्यों नहीं मिला, मन की चंचलता क्यों नहीं दूर हुई, ये तो हो जानी चाहिए थी ना। तो इसका मतलब कुछ अपराध है जीवन में, कुछ है हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए बच्चे आते हैं सत्संग में, इनसे क्या अपराध हो सकता है, ये मम्मियों से बुरी तरह बोल जाते हैं, कुछ कहा जाता है तो सहन नहीं कर पाते, अंदर अंदर फिर भड़बड़ भड़बड़ होती है इनकी, और अंदर अंदर भड़बड़ होगी तो वो भजन नहीं होने देगी, शांति नहीं मिलेगी, मन की चंचलता दूर नहीं होगी। मन की चंचलता ही तो हो रही है, भड़बड़ भड़बड़ क्या है मन की चंचलता, भजन में मन कैसे लगेगा। उदाहरण ले रहा हूँ मैं एक, हाँ स्कूल कॉलेज में टीचर्स के लिए कुछ कुछ बच्चे मिलकर बुराई करते रहते ना अक्सर, ये तो आम हमारे समय में भी था, आपके समय में भी होगा, स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स की बुराई करते थे। कुछ अपराध हो रहा है हमसे, सासें बैठी हैं मान लीजिए, अब बहू देखो आप कर लो भजन, मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम आपकी बहुओं के बारे में, लेकिन करो भजन करो। तो हम लोग के मन किसी भी कारण से जब चल जाते हैं तो भजन में मन नहीं लगता, हमको ये विश्वास नहीं है कि कराने वाले भगवान हैं,
कर्ता परोक्ष में बात चल रही थी ना, कर्ता राम पछाण, ये जानो पहचानो कि राम करने वाले हैं, सबको दाता राम, सबको देने वाले भगवान है, मतलब पूरा। अब मुझे ज़्यादा लाइनें याद नहीं रहती, समर्पण ही समर्पण है गुरु ग्रंथ साहब में, समर्पण ही समर्पण। सब कुछ पास तेरे, तू क्या मांगे भगवान से, मांगे तो भजन मांगो ना, क्या मांग रहे। हम मांग रहे होते हैं कुछ कुछ, हे भगवान हमारे घर में शांति रहे, हैं ये भी हम मांगते हैं, और अशांति खुद ने लगा रखी है। अब मांग रहे भगवान से शांति रहे हमारे घर में। साधु के लिए परम आवश्यक है कि अपने आचरण को पवित्र बनावे, वही है ना, गुरु को तो मानते हैं, गुरु की माने, बहुत आता है कहा, गुरु को मानते हो पर गुरु की मानो, क्या कह रहे हैं वो मानो। तो परम आवश्यक है अपने आचरण को पवित्र बनाए। अच्छा आपने देखी एक बात मज़ेदार, सामने जलेबी आई, अच्छी सिकी हुई है, करारी है, बारीक है, पतली बनी हुई है, जैसी आपको पसंद है वैसी है, और कोई आया सामने जलेबी नहीं, एक ले लो, पहले देखेंगे उसको, उसको क्या देखते हो। हरा मतलब मैं देखता हूँ, थोड़ी बड़ी एज के लोगों की तो खास अदा होती, आदत होती, फिर पहले उसको देखेंगे, फिर यहाँ पहला पक्का किया देह भाव, अब पक्का कर रहे हैं जीव भाव। अब जलेबी उठाई एक, रख ली प्लेट में, उनने कहा एक और ले लो साहब, अच्छा एक और ले, पहले मना कर दिया था। फर्स्ट टाइम जो निकलता है वो बिल्कुल सही होता है। अच्छा आप कहेंगे क्यों जलेबी खाना मना है, ना ना जलेबी खाना मना नहीं है, पर हम अपनी तरफ देखें, क्या जलेबी हमको डॉक्टर की तरफ से अलाउड है। नहीं, बड़ी उम्र वाले जो बैठे हैं उनसे कुछ को तो नहीं होगा ना, कुछ के लिए कुछ नहीं कहा होगा डॉक्टर ने, आप तो खा सकते हो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। पिछले जन्मों में हमने अच्छे कर्म किए हैं, इसकी पहचान है कि हमको सद्गुरु मिले, उनमें श्रद्धा हुई, और लक्ष्य जो गुरु ने बताया भगवत प्रेम, वो जागृत हुआ। बात पूरी समझ रहे हैं ना, सद्गुरु मिले उनमें श्रद्धा हुई और भगवत प्रेम जागृत हुआ, ये समस्त सुकृत हमारे जो अच्छे कर्म थे उनका फल है। गुरु भगवान के शुक्राने।